गणेश उत्सव का त्योहार महाराष्ट्र में बड़ी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। जगह जगह बड़ी बड़ी मूर्तियों में कलाकार अपनी संपूर्ण कला का निचोड़ सन्निहित कर देता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गणेश उत्सव का इतिहास खंगालने से ज्ञात होता है कि गणेश उत्सव की परंपरा शिवाजी के काल में ज्यादा फलीभूत एवं प्रचलित हुई, लेकिन सार्वजनिक गणेश उत्सव का जनक तो लोकमान्य तिलक को ही माना जाता है। आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी सभा या समूह के रूप में लोगों को एकत्रित होने पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। इसलिए लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश प्रतिमा स्थापित कर क्रांतिकारियों एवं लोगों को एक जगह एकत्रित कर अपने उद्देश्य तथा संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा आज इतना भव्य व धार्मिक रूप से प्रचलित एवं लोकप्रिय हो जाएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा। पंडालों की साज सजावट, लाइटों की चकाचौंध एवं आधुनिकता विशाल काय मूर्तियाँ लोगों की भीड़ को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इसी सदी में धर्म और आस्था पर आधारित गणेश उत्सव ने जहां अपना आधुनिकतम रूप ले लिया है, वहीं पर्यावरण के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
सवाल ये है कि कहीं हम संस्कृति और परंपरा की आधुनिकीकरण के साथ मदमस्त होकर आने वाले खतरे को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।